खबरें भद्रावती तहसील से, जहां बीते दिनों चंद्रपुर जिले के दौरे पर ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे का आगमन हुआ था और इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने नंदोरी ग्राम पंचायत को सदिच्छा भेंट देकर नागरिकों से वहां के समस्याओं की जानकारी ली तथा अति शीघ्र समस्याओं का निवारण करने की बात कही। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। महाराष्ट्र सरकार के राज्य ऊर्जा मंत्री नामदार प्राजक्त तनपुरे ने भद्रावती तहसील के नंदोरी ग्राम पंचायत को सदिच्छा भेंट देकर गांव की समस्याओं के संबंध में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, प्रदेश प्रतिनिधि मुना शेख, जिला महिला अध्यक्षा बेबीताई उइके, तालुका अध्यक्ष सुधाकर रोहनकर, विलास नेरकर, सुनील दहगावकर, शरद खामनकर, सरपंच मंगेश भोयर, उप सरपंच अजित पुसनाके, सदस्य उषाताई लांबट, सदस्य शारदा जीवतोड़े, सदस्य स्वप्निल लांबट, मनीष ठक, निखिल धवस, प्रज्वल एकरे, भूषण ठेंगने, गणेश निखाड़े उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री महोदय का शाल श्रीफल देकर नंदोरी गांव की ओर से सरपंच शरद खामनकर के हाथों सत्कार किया गया। इस दौरान नंदोरी गांव में शरद पवार स्वागत प्रवेश द्वार स्थापित करने की मांग ग्राम पंचायत की ओर से एक निवेदन द्वारा की गई। साथ ही गांव के नदी पर स्थित बांध का काम पूर्ण करने की मांग गाँव वासियों द्वारा की गई और यह दोनों भी कार्य अतिशीघ्र किए जाएंगे, ऐसा आश्वासन मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने दिया। इस मौके पर गाँव वासियों से संवाद साध कर उन्होंने उनकी समस्या जानी और इस दौरान गाँव वासियों ने अपनी समस्याओं का निवेदन मंत्री महोदय को दिया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा गाँव वासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि जावशेख की रिपोर्ट।